welcome to the video. My name is Ravi Sachan and I am the author of the book called Sales Ka Sikandar, The Real Power of Testimonial, और कैसे आपका बिजनेस बड़ा कर सकते हैं अगर आपने जेन्युइन तरीके से सही तरीके से टेस्टिमोनियल यूज करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिमोनियल होता क्या है, किसको कहते हैं टेस्टिमोनियल। तो दोस्तों टेस्टिमोनियल के बारे में सिंपल ही बात यह है कि लोग आपके बारे में मार्केट में क्या सोचते हैं, यानी आपकी मार्केट में परसेप्शन, यानी आपकी मार्केट में इमेज क्या है। दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिमोनियल। नाउ जब टेस्टिमोनियल की बात आती है तो एक जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। दोस्तों गलती लोग ये करते हैं कि लोग जल्दी कामयाब होने के लिए, शॉर्ट में सक्सेस पाने के लिए लोग गलत टेस्टिमोनियल ले लेते हैं, और जो कि नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं लेना चाहिए आपको गलत टेस्टिमोनियल, उसका रीजन ये है कि टेस्टिमोनियल कमाने के लिए आपको ग्राउंड में काम करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको लोगों की सर्विस करनी पड़ती है, यानी लोगों को ग्राउंड लेवल पे आपको रिजल्ट ला के देना पड़ता है। और वो जब आप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सक्सेस इज योर आउटकम। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे और आप अगर शॉर्टकट में जाकर गलत टेस्टिमोनियल लेके आ जाएंगे तो आप जिंदगी भर शॉर्ट में घूमते रहेंगे, कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। सो दिस इज द ओनली रीजन, आपको गलत टेस्टिमोनियल का सहारा नहीं लेना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि टेस्टिमोनियल की पावर क्या है, क्यों आपका बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, टेस्टिमोनियल दोस्तों इस एक वर्ड होता है, लिख लीजिए, साइकोलॉजिकल वर्ड है, दी सोशल प्रूफ विच मीन्स थर्ड पार्टी, तीसरे लोगों की आपके बारे में धारणा, मार्केट में आपके बारे में धारणा। मैं अपने बारे में बोलूं, मैं बहुत अच्छा ये, मैं बहुत अच्छा सेल्स कोच, मैं बहुत अच्छा ये, या आप अपने बारे में बोले मैं अच्छा बहुत ये, यानी अपने मुंह मिठू मी बनना, ये गलत बात है। लेकिन मेरे बारे में और बंदा क्या बोलता है, ये मेरी टेस्टिमोनियल है। सिमिलरली जब आप अपने बारे में कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, दैट्स ओके। लेकिन आपने अगर किसी साथ में काम किया है तो सो मी, द ओनली पर्पस ऑफ गेटिंग रियल टेस्टिमोनियल का मतलब ये है कि डोंट टेल मी बडी, सो मी। मैं बोलूं मैंने सेल्स का सिकंदर किताब लिखी है, अरे भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अरे भाई देखो ना, ये मैं अपने को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे अगर आपने मार्केट में कुछ काम किया है तो ले लीजिए और दिखाइए। अब कैसे लेते हैं टेस्टिमोनियल, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, लेकिन टेस्टिमोनियल लेके इस्तेमाल कैसे करते हैं उसका वीडियो इसके बाद करूंगा, राइट। तो ये पॉइंट नंबर वन है कि सोशल प्रूफ जो है, जो थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट होती है, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है टेस्टिमोनियल में। पॉइंट नंबर दो, जब आप टेस्टिमोनियल लेते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, ये आपको मार्केट में एज एन एक्सपर्ट, एज एन अथॉरिटी पोजीशन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर जब आपके बारे में कोई बंदा बोलता है कि यार ये बंदे ने मेरे साथ में ऐसा किया था, इसका काम अच्छा है, इसका सिंपल मतलब है कि आप दमखम वाले आदमी हो, आप कोई टाइम पास वेले आदमी नहीं हो, विच मीन्स यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू नो what you are selling, you know what business you are in. This is the only purpose when you take other people testimonial. कि भाई मैं जो कह रहा हूं सर, मैं वो आज नहीं आ गया उठ के, मैंने उसके लिए ग्राउंड में काम किया हुआ है। This is the second reason you take the testimonial. What is the third reason you should take testimonial from the people and how this will help you? दोस्तों जब आप testimonials लेते हैं लोगों से, ये आपको मार्केट से बिल्कुल आपके कंपटीशन से अलग कर देता है। लोग एक दूसरे से कंपीट करते हैं, आपके जो कस्टमर हैं वही आपको इतना बड़ा बिजनेस दिला देंगे कि आपको और कहीं मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Why? One testimonial from a genuine customer, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, कैन गिव यू सो मच ऑफ बिजनेस, आप संभाल नहीं सकते हैं। इफ यू डोंट बिलीव जस्ट ट्राई इट, बट द टेस्टिमोनियल जेन्युइन होना चाहिए। So, मैंने क्या बोला, सबसे पहले टेस्टिमोनियल इज ऑल अबाउट दी साइकोलॉजिकल फैक्टर। लोग स्केप्टिकल होते हैं, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन बोलता है तो इसका सोशल प्रूफ, दे विल ट्रस्ट ऑन यू। सेकंड रीजन, वो आपको एज एन एक्सपर्ट अथॉरिटी, आपकी मार्केट में पोजिशनिंग होती है कि आपने काम किया हुआ है। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि आपको जो कॉम्पिटिशन है उससे आप अपने आपको अलग कर सकते हो, बिकॉज यू ओनली फोकस ऑन गिविंग द सर्विस, गिविंग द वैल्यू। लेट द प्योर कॉम्पिटिटर फोकस ऑन competing, you focus on only giving services. Let your competitor focus on the marketing, you focus on giving service. Giving service on ground reality. Then you see how the game change. If you want to, now, here is one point I want to leave very important. I am going to conduct a free of cost webinar. जिसे मैं बताऊंगा आपको
how you can grow your sales and business 50-60% within 90 days. And I'm going to conduct this webinar free of cost. But usme 50 people are only allowed. And registration ke dwara hi aapko usme entry milegi. And registration is only by invitation. If you want to be part of that, after this video there will be a link. Go and click and send in the information. We'll send you the link. You can be part of that. Thank you very much. All the best. God bless you.